एंड वेलकम बैक माय चैनल अश्वनी। गुड इवनिंग आप सभी को, मैं नमस्ते। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह, और मैं माता रानी से प्रे करूंगी कि आप लोग हमेशा अच्छे रहो। तो अभी शाम के टाइम हुए हैं और यहाँ पे बारिश भी हो रही है, मतलब रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही है। तो रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही है, तो बारिश में कुछ तो स्पेशल नहीं हो रहा है, बट बारिश का मौसम का मजा लेते हुए आज मैं अभी किचन में आई हूँ चाय बनाने। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चाय बनाने कौन सी मतलब बड़ी बात है, चाय तो मतलब शाम हुआ तो हर कोई पीता ही पीता है ऑब्वियसली, तो मेरे ही अभी हर कोई शाम में चाय पीते ही हैं। बट मैं जो चाय बनाने वाली हूँ ना, बहुत स्पेशल चाय बनने वाली है, तो आप लोग देखिए। और मतलब मैं भी ये चाय फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने भी नहीं बनाया था। बट देखने से और जानने से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये चाय बहुत अच्छी बनने वाली है। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या बना रही हूँ, ये फिर मैं बता ही दूँ। तो चलिए मैं पहले बता ही देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ कुल्हड़ वाली चाय। अब आप लोग सोचोगे मेरे पास कुल्हड़ तो है नहीं। हाँ, तो बिना कुल्हड़ वाली चाय, बस टेस्ट आएगा कुल्हड़ वाली। और परी, आपको भी चाय पीना है बेटा? नहीं पीना है आपको? और ये परी का चूड़ी है, तो ये अपना चूड़ी दिखा रहा है ये। तो चलिए अब हम मतलब बिना कुल्हड़ का कुल्हड़ वाली चाय का टेस्ट आप लोगों के बीच लाते हैं। टेस्ट तो आप लोग बनाकर उसके बाद जब पियोगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसके लिए पहले क्या करते हैं आप लोगों को देखिए। तो चलिए मैं चाय बनाने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि कितना क्वांटिटी आप लोग यूज़ कीजिएगा। तो इसमें क्वांटिटी मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप लोग जितने भी मतलब पर्सन के लिए आप चाय बनाना चाहते हो उस अनुसार बनाइएगा। और जितना मीठा, कम मीठा, ज़्यादा मीठा, ये तो आप लोग पे डिपेंड करता है, तो आप लोग अपने अनुसार ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा। तो अभी हम बना रहे हैं तीन लोगों के लिए, तो तीन लोगों के लिए ही मैं चाय बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ तो मतलब मैक्सिमम मीठा पीते हैं, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, एकदम एवरेज इक्वल। तो चलिए हम वैसे ही मतलब एस्टिमेट के साथ बना रहे हैं चाय, तो दिखाते हैं हम आप लोगों को क्या क्या हम प्रोसेस कर रहे हैं। चाय के लिए ले लिए हैं सस्पेन, जो कि हम चाय बनाने वाले हैं इसी में। तो यहाँ पे मैं तीन लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। तो ये मैं 1 स्पून चाय पत्ती, और ये रहा 1/2 स्पून। तो और चाय पत्ती पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग का मतलब जो भी यूज़ कर रहे हैं वो कैसा कलर लाता है, कितने में कलर लाता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और ये रहा चीनी, जो कि मैं पर पर्सन पे 2-2 चम्मच डाल रही हूँ। तो ये रहा एक, ये रहा दूसरे के लिए, और ये रहा तीसरे के लिए। तो ये मैंने डाला, और सबसे पहले मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑन करने वाली हूँ। बड़ी पूछने आई थी क्या बना रही हो, तो ये फ्लेम को मैंने एकदम से कम करना है, क्योंकि ये चीनी चपाती को ना इसमें मतलब मिलाना है, तभी तो बनेंगे ना। तो देखिएगा, तो चीनी जो इसमें गले है ना, तो ये वाले लाएंगे कुल्हड़ वाले टेस्ट। तो देखिए, तो देखिए धीरे धीरे ये ना ये मतलब जलने लगा है, तो चीनी गल के जो कलर छोड़ रहा है ना वो आ रहा है अभी। तरह से हो गया। अब हम इसमें बांध जानने वाले हैं दूध, क्योंकि ये चीनी मतलब आधे से ज़्यादा पूरा गल चुके हैं, तब इसमें हम दूध ज़्यादा दें, वरना ये जली हुई चाय हो जाएगी, कुल्हड़ वाली नहीं। तो देखिए मैंने इसमें दूध को ऐड कर दिया है। अभी ये जब उबल जाएंगे ना अच्छे से, तो फिर इसमें चाय की एकदम सौंधी सौंधी खुशबू आने वाली है। तो आज हम ये चाय पी के आप लोगों को जरूर बताएंगे, और आप लोग अगर अच्छी बनी ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग ये ट्राई कीजिए, अगर नहीं अच्छी बनी तो मैं बिल्कुल एकदम सही बता दूंगी कि आप लोग इसे ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि ये चाय ना मैं भी मतलब देखी थी, मैं भी
ये चाय वीडियो में ही देखी थी, तो इसीलिए मैंने आज ट्राई किया और ट्राई करके आप लोगों के बीच शेयर करने वाली हूँ। तो जब अच्छे बन जाएंगे तो मैं आप लोगों को बोलूँगी हाँ ये बहुत अच्छे बने हैं, आप लोग इसका एंजॉय ज़रूर कीजिए। तो फिलहाल तो अभी मैं टेस्ट नहीं की हूँ क्योंकि अभी हमारे बने नहीं हैं, बनने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं और देखिए इसका धीरे धीरे कलर जो आ रहा है ना, बहुत मतलब खुशबू और कलर, आप लोग देखिए उसके बाद बताइएगा। देखिए देखिए इसे ये उबाल मतलब उबल गए हैं और चाय एकदम खोलते हुए दिख रहा है आप लोगों को, और कलर देखिए कितना सुंदर सा दिख रहा है ना। मतलब ओबियसली चाय मतलब चाय लवर्स देख के मतलब बता सकते हैं कि कितना अच्छा चाय बना होगा, बट तो हम लोग टेस्ट करके बताएंगे। तो आप लोगों को तो देख के पता चल गया होगा कि मतलब जो लोग चाय जब बहुत ज़्यादा पसंद होगी वो लोग चाय देख के बताएंगे कि मैं चाय कैसे बन रहे हैं। तो चलिए अब हम अपनी चाय को एंजॉय करते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सच में एकदम कुल्हड़ वाली खुशबू आ रही है। तो मेरी चाय तो इस तरह मतलब रेडी हो चुका है, अब मैं कप को ले आती हूँ क्योंकि बहुत इंतज़ार हो रहा है अब मैं। तो देखिए हमारी चाय बिल्कुल बनकर हो गए हैं रेडी। तो चलिए अब हम फ्लेम को करते हैं बंद, उसके बाद यहाँ पे छन्ना और कप रेडी है। चाय बन के हो गए रेडी और कप में भी एकदम। तो अब हम लोग जा रहे के लिए चाय को पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए चाय, चाय कैसा बना है और मतलब देखते सभी को पसंद आता है या नहीं आता है या फिर किसी कितना पसंद आता है ये भी देखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं सभी को चाय, सभी के साथ चाय पीने के लिए, सभी को देने के लिए, सभी के साथ पीने के लिए। चलिए हमारे यहाँ अभी है चाय लवर्स, तो हम उनसे पूछते हैं कि चाय सच में कैसा बना, कूलर वाली टेस्ट आई कि नहीं। कूलर वाली टेस्ट आ गई, तो बिना कुल्हड़ के और हमारे यहाँ कुल्हड़ वाले चाय पिए जा रहे हैं, वो भी बारिश के मौसम में एंजॉय के साथ। और घर का हाल तो आप लोग देख ही रहे होंगे क्योंकि सफाई का कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहे हैं, और सबसे बड़ा साफ करने वाली ये है। तो सच में चाय पी के बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी चाय बना, एकदम कुल्हड़ वाली टेस्ट आ रही थी। बताओ मोनिका कैसा बना, और मोनिका देखिए कितना बड़ा काला सा टीका एकदम लगा के बैठी है, कोई नजर ना लगा दे इसे। और ये देखिए इसको, ये मेरे घर की सबसे पगली लड़की है। अच्छा आप बोलो मैं पगली नहीं हूँ, मैं गुड गर्ल हूँ। पगली नहीं हो तो चलो बाल बनवा लेके आओ, कंघी कंघी और रबर लेके आओ जल्दी। तो बाल में तेल लगा लिया पर बाल नहीं बनवा रही है, तब ये बाल बनवाने वाली है। तो आप लोग भी इस चाय को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैंने पहले ही बताया था जब मैं पी लूँगी तो ही मैं बताऊँगी। तो मैंने बताया बताया तो भाभी ने भी आपको बताया क्योंकि हमारे यहाँ भाभी चाय लवर है, तो उसके मुँह से तो आप लोग ने सुना ही मोनी कैसा बता बना था चाय, बहुत टेस्टी, तो इसके मुँह से सुन लिया और मैं तो बताई थी। तो चलिए अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और शेयर जितनी ज़्यादा उसके लिए कीजिएगा। और अपने से जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाना खाइए, बाय। ये खाना खाएगी।